मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों फोरमों की ओर से KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से आज पूरे देश भर में भाजपा के 240 MP को छोड़ के बाकी सभी MPs को मांग पत्र दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग अमृतसर में चीफ पावर कॉम बॉर्डर जोन जो है कैंट में वहाँ इकट्ठे होंगे और उसके पीछे औजला जी की कोठी है वहाँ पर मार्च करते हुए उन्हें जाकर 2 पेज का एक लेटर विद मांग पत्र देंगे। और पूरे देश भर में जो भी विपक्ष है NDA या इंडिया गठजोड़ है जो विपक्ष है उन्हें हम कहेंगे कि MSP के ऊपर प्राइवेट बिल लेकर आया जाए, किसानों की मांग के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग भी होनी चाहिए, देश के सामने बात जानी चाहिए कि कौन से MP किसान मजदूर का समर्थन करते हैं, कौन से विरोध करते हैं। तो भाजपा में जो शामिल NDA के घटक हैं हम उनसे भी कहेंगे आप लोग पहली बार चुन के आए हैं, ये ज्वाइंट सरकार है, आपका पक्ष भी नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का और अन्य जो दल है उनका पक्ष सामने देश के आएगा कि किसान मजदूर के बारे में वो लोग क्या समझ रहे हैं। और हम इस बार सभी किसानों मजदूरों को अपील करते हैं, आज 10,000 किसान मजदूर है जो MPs को मांग पत्र देने जाएंगे और इस मानसून सत्र में किसानों की मांगों के ऊपर, खास करके MSP के ऊपर बड़ी चर्चा होगी और सरकार से आशा करेंगे कि वो MSP के लिए बजट बनाए, कर्ज मुक्त के लिए बजट बनाए और अन्य मांगों के ऊपर भी बजट रखे। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों फोरमों की ओर से KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से आज पूरे देश भर में भाजपा के 240 MP को छोड़ के बाकी सभी MPs को मांग पत्र दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग अमृतसर में चीफ पावर कॉम बॉर्डर जोन जो है कैंट में वहाँ इकट्ठे होंगे और उसके पीछे औजला जी की कोठी है वहाँ पर मार्च करते हुए उन्हें जाकर 2 पेज का एक लेटर विद मांग पत्र देंगे। और पूरे देश भर में जो भी विपक्ष है NDA या इंडिया गठजोड़ है जो विपक्ष है उन्हें हम कहेंगे कि MSP के ऊपर प्राइवेट बिल लेकर आया जाए, किसानों की मांग के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग भी होनी चाहिए, देश के सामने बात जानी चाहिए कि कौन से MP किसान मजदूर का समर्थन करते हैं, कौन से विरोध करते हैं। तो भाजपा में जो शामिल NDA के घटक हैं हम उनसे भी कहेंगे आप लोग पहली बार चुन के आए हैं, ये ज्वाइंट सरकार है, आपका पक्ष भी नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का और अन्य जो दल हैं उनका पक्ष सामने देश के आएगा कि किसान मजदूर के बारे में वो लोग क्या समझ रहे हैं। और हम इस बार सभी किसानों मजदूरों को अपील करते हैं, आज 10,000 किसान मजदूर है जो MPs को मांग पत्र देने जाएंगे और इस मानसून सत्र में किसानों की मांगों के ऊपर, खास करके MSP के ऊपर बड़ी चर्चा होगी और सरकार से आशा करेंगे कि वो MSP के लिए बजट बनाए, कर्ज मुक्त के लिए बजट बनाए और अन्य मांगों के ऊपर भी बजट रखे। धन्यवाद।